गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर पीएम मोदी का रिएक्शन आया। सोशल मीडिया पर लिखा, अच्छी बात है, सच सामने आ रहा, फेक नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलता। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले, बाबा बागेश्वर लव जिहाद लैंड जिहाद के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। बागेश्वर बाबा ने कहा, हम सोए हिंदू को जगाने निकले, हमारा मिशन हिंदू राष्ट्र बनाना है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रियंका गांधी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, बोले प्रियंका गांधी ने यहां आकर सच नहीं बताया होगा क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेरा, बोले निजामों की लगाई आग में खत्म हो गया था खड़गे जी का परिवार, फिर भी जब भी बटोगे तो कटोगे कहता हूं तो उन्हें बुरा लगता है। महाराष्ट्र के रण में प्रियंका गांधी, नागपुर में किया रोड शो, कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पुणे में किया चुनाव प्रचार, बोले बहुमत के साथ सरकार बनाएगी महाविकास अघाड़ी, लोगों ने साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार का मन बनाया। नागपुर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले, गुजरात से आए दो लोग महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, दोनों राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, सरकार हमारी बनेगी। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, महायुति की सरकार बनने का दावा किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव की जनसभा में पीएम मोदी पर अटैक, कहा अब मोदी चाहते हैं वक्फ की जमीन कैसे छीनी जाए। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी अब शेख बन गए, लिमिटेशन का कानून वक्फ पर लागू कर रहे मोदी, शिंदे और अजित पवार वक्फ की संपत्ति खत्म करने की साजिश में हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ने मुंबई में ओवैसी को दिया करारा जवाब, कहा हैदराबाद में 80% वक्फ की जमीन एआईएमआईएम वालों ने हड़पी है। चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहा कांग्रेस और उनका गठबंधन झूठ और लूट की दुकान, महायुति की सरकार तय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी महाराष्ट्र के रण में उतरे, ठाणे में बोले भारी बहुमत से बनेगी डबल इंजन की सरकार, हम सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का विपक्ष पर बड़ा अटैक, बोले लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की पुरानी आदत। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कहा कम से कम 200 मुस्लिम संगठनों ने महायुति को हराने के लिए पर्चे बांटे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का राहुल गांधी पर तंज, झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल के जवाब में बोले प्रधानमंत्री मोदी नहीं राहुल गांधी मशीन से जलेबी बनाते हैं। यूपी के डीजीपी की नियुक्ति में देरी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, उपचुनाव के प्रचार में बोले दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे इसलिए नहीं हो रही नियुक्ति, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर केशव मौर्य के अलग सुर के बाद अखिलेश का तंज, बोले पहले इंजन टकराते थे अब नारे टकरा रहे, डिप्टी साहब अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर केशव मौर्य का यूटर्न, कहा मोदी और योगी के नारे हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक, बीजेपी में ना मतभेद था ना है ना होगा। बारामती में शरद पवार के बैग की चेकिंग, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ली तलाशी, कल अमरावती में राहुल गांधी की बैग की भी चेकिंग हुई थी। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज, मुंबई के शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि, पत्नी रश्मि ठाकरे भी रही साथ। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर बोले संजय राउत, कहा बाला साहेब हमें केवल शारीरिक रूप से छोड़कर गए, उनके विचार अभी भी हमारे साथ हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा नोटिस का स्वागत है, 18 तारीख को जवाब देना है दे दिया जाएगा। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी के पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी है तो तिहाई बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव न्याय यात्रा में शामिल, दिल्ली की गोंडा विधानसभा में आयोजित हुई न्याय यात्रा। हरियाणा सीएम सैनी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कैलाश गहलोत ने छोड़ी पार्टी, परिवहन मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में दिल्ली सरकार पर लगाए कई आरोप, महत्वाकांक्षा की होड़ में वादे अधूरे, शीश महल जैसे विवाद से भी शर्मिंदगी। कैलाश गहलोत ने यमुना में बढ़ती गंदगी को लेकर भी घेरा लिखा, यमुना की साफ सफाई का वादा भी पूरा नहीं हो पाया, पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लड़ रही। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में लिखा, सरकार दिल्ली की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाई, आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। जाट समाज से आते हैं कैलाश गहलोत, केजरीवाल और आतिशी दोनों की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, परिवहन, गृह, आईटी और बाल विकास विभाग संभाल चुके हैं। दिल्ली के नजफगढ़ सीट से 2 बार के विधायक रहे हैं, राजनीति से पहले पेशे से वकील थे, शराब घोटाले में ईडी से पूछताछ कर चुकी है। सीएम आतिशी ने मंजूर किया कैलाश गहलोत का इस्तीफा, सोर्सेज के मुताबिक इस्तीफे के पीछे एलजी का बड़ा रोल। कैलाश गहलोत के आप छोड़ने पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कैलाश ने बहादुरी दिखाई, उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। वीरेंद्र सचदेवा बोले आम आदमी पार्टी झूठ का पुलिंदा, जिसका पर्दाफाश अब हो रहा, आपने दिल्ली का बुरा हाल किया। कैलाश गहलोत को लेकर बोले मनोज तिवारी, केजरीवाल के साथ अब कोई भी रह नहीं सकता। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का षड्यंत्र, ईडी और सीबीआई के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। आम आदमी पार्टी बोली कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स कई केस चल रहे हैं, बीजेपी में जाने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका, पूर्व विधायक अनिल झा का आम आदमी पार्टी में शामिल।
केजरीवाल की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता, किराड़ी सीट से दो बार के विधायक रहे अनिल। पार्टी में शामिल होने के बाद अनिल झा बोले, सामाजिक न्याय को सिर्फ केजरीवाल ही आगे बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल बोले, हमने दिल्ली की तस्वीर बदली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए। पीएम मोदी को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बने। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली एक और सफलता, अकोला से सलमान भाई नाम का आरोपी गिरफ्तार। झांसी अग्निकांड मामले में प्रशासन ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई वजह। रिपोर्ट के मुताबिक स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, अग्निकांड में किसी तरह की साजिश नहीं थी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, सरकार की लापरवाही की वजह से 10 नवजात बच्चों की जान गई। मणिपुर में बिगड़ते हालात के बीच महाराष्ट्र दौरा रद्द कर अचानक दिल्ली पहुंचे गृहमंत्री, विदर्भ के गढ़चिरौली और वर्धा में होनी थी चुनावी सभा। इम्फाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं, 6 थानों में अफसर हटाने, लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार से की मांग। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए। जबलपुर में भारतीय सेना ने सूर्या हाफ मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नेपाल के जनकपुर से विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत, भगवान श्री राम और मां जानकी के विवाह को लेकर जनकपुर से तिलक और निमंत्रण लेकर 500 लोग अयोध्या के लिए रवाना। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी तक पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, आपने दिल्ली की उम्र कम और मौत परोसने का पूरा इंतजाम कर दिया, दिल्ली के लोग परेशान हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई इलाकों में छाई धुंध। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण, सांस लेना बेहाल, धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण, धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स, सांस लेना बेहाल, विजिबिलिटी लो हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी लो हुई। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली ट्रेनें प्रभावित, सफदरजंग स्टेशन पर 500 मीटर रही विजिबिलिटी। यूपी, राजस्थान और पंजाब में कई शहरों में धुंध के चलते प्रभावित हुई कई ट्रेनें। अमृतसर में विजिबिलिटी हुई शून्य, बरेली में 200 मीटर, पटियाला में 500 मीटर रही विजिबिलिटी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी। राजधानी दिल्ली में सांस लेना बेहाल, कई इलाकों में 400 पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना में 400 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहांगीरपुरी में 446 तो मुंडका में 463 रहा। नरेला में 444, ओखला में 409, पंजाबी बाग में 447 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स, शहर के कई इलाकों में दिखी धुंध की परत। हरियाणा के करनाल में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 204 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में छाई धुंध। यूपी के अलीगढ़ में खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता, ताजमहल के आसपास के इलाकों में धुंध की परत नजर आई। यूपी के गोरखपुर में वायु गुणवत्ता हुई खराब, पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखाई दी। असम के मोरीगांव जिले में बढ़ा प्रदूषण, आसमान में छाया घना कोहरा। मायानगरी मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत नजर आई, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। थूथुकुडी में लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव, यातायात हुआ बाधित। तमिलनाडु के मलयातुदुराई जिले में तेज बारिश, कई जगहों पर जलभराव के चलते यातायात प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को दी बधाई, राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को भी दी बधाई। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला, दो फ्लैश बम दागे गए, हमले के वक्त नेतन्याहू घर पर मौजूद नहीं थे। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के लिए पटना पहुंचे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए पटना के गांधी मैदान में भारी भीड़, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए खंभे पर चढ़े लोग।